हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आज कंडक्ट किया गया है जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का था। तो ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के पास से किया गया है और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल टेस्ट था, जिसको डिफरेंट रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से और टेलीमेट्री से ट्रैक किया गया था। यहाँ तक कि Su-30MK द्वारा भी इस मिसाइल को चेस करके इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया था। तो इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अपनी कैपेबिलिटी को डेमोंस्ट्रेट किया, जिसके अंतर्गत डिफरेंट वे पॉइंट नेविगेशन जो है ये इस मिसाइल ने परफॉर्म किए, साथ ही साथ काफ़ी लो लेवल की सी स्किपिंग कैपेबिलिटी भी यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट करी गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ जो मेन इंजन इस्तेमाल किया गया था ये इंडिजिनसली डेवलप्ड GTRE का मानक इंजन था। तो इस मिसाइल में अपग्रेडेड एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस मिसाइल की रिलायबिलिटी को और अच्छी परफॉर्मेंस को प्रूव करते हैं। इस मिसाइल का डेवलपमेंट DRDO की लैब ADE यानी कि एयरनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया था। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो ITCM मिसाइल है ये एक्चुअली निर्भय पर ही बेस्ड है, पर यहाँ पर निर्भय के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 100% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो मेन इंजन है जैसे कि हमने बताया ये GTRE का STFE मानिक है और यहाँ पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स हैं ये भी इंडिजिनस हैं। तो बेसिकली ITCM के अंतर्गत निर्भय को कम्प्लीटली इंडिजिनस किया गया है। तो इस मिसाइल की फर्स्ट फायरिंग 2020 में हुई थी, जिसके अंतर्गत जो पहला टेस्ट है ये कम्प्लीट सक्सेस नहीं हुआ था और टेस्ट फायरिंग के 8 मिनट में ही इसे अबॉर्ट करना पड़ा था। फिर उसके बाद 2021 में भी टेस्ट किया गया था और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट कहा गया था, जिसके अंतर्गत मानिक की जो परफॉर्मेंस है ये सेटिस्फैक्ट्री मिली थी। उसके बाद 11 अगस्त को भी ITCM का एक और टेस्ट हुआ था, पर इसको भी पार्शियल सक्सेस कहा गया था, जिसमें मानिक इंजन की परफॉर्मेंस तो सही थी पर कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये ढंग से काम नहीं कर पाया था। उसके बाद अक्टूबर 2022 में ITCM का टेस्ट हुआ था, लेकिन ये अगेन फेल कर गया था बूस्टर सेपरेशन के इशू की वजह से। फिर फरवरी 2023 में ITCM का एक और टेस्ट कंडक्ट किया गया था और ये कंप्लीट सक्सेस बताया गया, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस और अपग्रेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। उसके बाद फाइनली ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, जिसे कंप्लीट सक्सेस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक तरीके से ITCM अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पर प्रूव कर रही है और बड़े नंबर में सर्विस इंडक्ट होने के काफ़ी पास पहुँच रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये मिसाइल करीबन 1500 किलोग्राम्स की है और कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। करीबन 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है और ये 2 स्टेज के मिसाइल है। पहली स्टेज जो है ये बूस्टर स्टेज है, जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ होती है। दूसरी लिक्विड स्टेज है, जहाँ पर जो टर्बोफैन इंजन है वो यूज़ होता है और कहा जाता है कि ये मिसाइल मैक्सिमम 1500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ आती है और 0.9 मैक तक की स्पीड को अचीव करने में सक्षम है। तो इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये सी स्किमिंग करने में सक्षम है, जिसकी वजह से सी स्किमिंग करते हुए ये एनिमी के रडार से बची रहती है और काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाती है। फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 4 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है। गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक रिंग लेज़र जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जिसको GPS और नाविक सेटेलाइट गाइडेंस द्वारा एड किया गया है। वहीं पर टर्मिनल ये एक्टिव रडार होमिंग को इस्तेमाल करती है और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये मिसाइल फ्यूचर में हमारी वॉरशिप्स से भी डिप्लॉय हो पाएंगी, साथ ही साथ इन मिसाइल्स को लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये चीज़ हमने देखी है कि ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये वॉर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई हैं, स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर में। ये हमने देखा है कि जहाँ पर एयर डिफेंस कवर जो है ये काफ़ी थिक है, वहाँ पर ये मिसाइल कारगर साबित होती हैं उनको एग्जॉस्ट कराने में या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने में, ताकि जो एयर स्पेस है फाइटर प्लेटफॉर्म्स के लिए वो क्लियर हो सके। तो ब्रह्मोस के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा और इसलिए इंडियन नेवी भी इसमें इंटरेस्टेड है। आर्मी तो इस्तेमाल करेगी ही, इवन एयरफोर्स के लिए भी कहा जाता है कि एक वर्जन बनाया जा सकता है जो कि Su-30MKI लॉन्च करने में सक्षम होगा। वजन में ये ब्रह्मोस की आधी है और रेंज यहाँ पर आपको दुगनी मिलती है। तो ITCM के जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं ये डेफिनेटली हमारी क्रूज मिसाइल आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और फ्यूचर में इसके और भी वर्जन्स आएंगे जो कि सबमरीन लॉन्च भी होंगे और एक्सटेंडेड रेंज के साथ भी आएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।